एसडीएम डॉक्टर वैशाली शर्मा ने किए मेवात मॉडल स्कूल का औचक निरीक्षण। पुनाना के मॉडल स्कूल के बच्चे वैसे पढ़ाई के नाम पर अव्वल नजर आते हैं। अंजुम जैसे छोटे छोटे बच्चे 2020 के शिक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर चुकी है, पर मॉडल स्कूल की बिल्डिंग की हालत खस्ता देखकर पता चलता है कि पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। सर्दी के मौसम में ना तो कमरों में दरवाजे हैं ना ही खिड़कियां, जिससे पढ़ने में भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पीने के पानी की समस्या और बस में खचाखच आने व जाने वाले बच्चों को अधिक भरकर बैठने की समस्या को लेकर प्रधानाचार्य से बात की तो बात गोलमाल कर गए। उन्होंने बताया कि हमको सरकार ने आदेश दिए हैं कि हम एक तिहाई भर सकते हैं, और एसडीएम ने बच्चों से भी कुछ जवाब किया तो बच्चों ने सही जवाब दिया। क्या नाम है सर? विजय कुमार। विजय कुमार सर, आपके स्कूल में एक तो बच्चों की बड़ी शिकायत है पानी की, एक बसों में बच्चे बहुत ओवरलोड होते हैं, ये आपने कभी गौर किया है इस बात का? गौर किया है, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश हैं कि हम 1.5 गुना बच्चे तो बैठा ही सकते हैं। अच्छा, मतलब कैपेसिटी 45 गुना बच्चे बैठाए जा सकते, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये आपका कहना है ना? नहीं, ये गाइडलाइन है, ये तो अभी रिक्वायरमेंट जो है बच्चे ज्यादा हैं तो नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन है तो बिठाए जा सकते हैं। नहीं तो मांग भी तो करी जाती है एक्स्ट्रा बसों की। ये बिल्कुल नहीं, जब भी अथॉरिटी के सामने इस तरह की, क्यों बहुत सी बार देखा गया कि स्कूलों में बसें तो वही 5 साल पहले 5 होती है, बच्चे 1500 हो जाते हैं 500 की बजाय। हमारी अथॉरिटी के सामने हम ये चीजें रखेंगे, इसका समाधान करेंगे। एक आपकी स्कूल की बच्ची गई थी अभी मोदी से मिलने, उसका हम क्या कहना है आपका? उनार लड़की है वो, और हरियाणा से 19 बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ था वहाँ जाने के लिए तालकपुर स्टेडियम, और मेवात से एक, फिरोजपुर जिरका से मेवात मॉडल स्कूल से एक लड़का था और एक मेवात मॉडल स्कूल पुराना से लड़की गई है, तो उनके वजह वही से कामना करते हैं। बहुत खुशी है हमें इस चीज़ को लेकर। ये आपके स्कूल का नाम? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, पूरे मेवात का नाम रोशन करेगी वो लड़की, और उसके साथ साथ और भी 2-3 लड़कियां स्पोर्ट्स इवेंट्स पीछे हुए मंथली लेते हैं, वीकली टेस्ट, काफी लड़कियां जो है अच्छा अच्छा काम कर रही है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से विद्यालय में? इस स्कूल में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, कोई कमी? सब अच्छा है। कोई कमी हो तो बताइए। बिल्कुल, क्यों एच एम साहिब आई हुई है दौरे पे, वो आपके लिए आई हुई है? सर नहीं है तो कमी तो। आज आपने मेवात मॉडल स्कूल का दौरा किया है, क्या अपने से पाया है, कमियां क्या पाई हैं, अच्छाइयां क्या पाई हैं? मेवात मॉडल स्कूल्स में टीचर्स की वैकेंसीज वगैरह इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है। बच्चों ने बताया है, 10th और 12th के जो बच्चे हैं बोर्ड के, उन्होंने बताया कि उनका सिलेबस कम्प्लीट किया जा चुका है, रिविजन भी 1-2 बार पूरा हो चुका है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ एकेडमिक परफॉर्मेंस से। हाँ, बिल्डिंग में थोड़ी बहुत बोरिंग सी बिल्डिंग है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, एंड आई होप कि जल्दी ही ये सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लागू हो जाएंगे। सबसे बड़ी कमी है यहाँ मेवात में विद्यालयों में बस में कैपेसिटी 45 बच्चों की है, और बच्चे 75-70 बच्चे होते हैं, खास इस मेवात मॉडल स्कूल में ही, ये हमने देखा गया है। आज ये हम आपके सामने रख रहे हैं इस बात को, इस कारण क्या कहना है आपका? इन बस जो बसें हैं ना, बच्चे की कैपेसिटी 45 की है, भरे जाते हैं 75 बच्चे इसमें, गर्मियों बच्चे बहुत दुखी होते हैं, काफी लोग हमसे भी आके कहते हैं बच्चे, इस कारण आपका क्या कहना है इस बारे में? या तो बस की वो बढ़ाई जाए संख्या, यहाँ बच्चे ज्यादा हैं बसें कम है स्कूल में। हाँ, बच्चे काफी कम है स्कूल में, तो अब अगले सेशन में ये कोशिश की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, यहाँ पर इतने टीचर्स हैं तो उसके हिसाब से उनका पूरा यूटिलाइज कर पाए वो, उन्हें कम बच्चे हैं तो पूरा जो सरकार पैसा दे रही है मॉडल स्कूल्स के लिए वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ बच्चों का कहना है कि पानी की व्यवस्था नहीं है ठीक, कुछ बच्चों से हमने बात करी है, सारी समस्याएं बता दी गई हैं यहाँ के प्रिंसिपल को, प्रबंधक को, और आशा करती हूँ कि जल्दी वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है।